ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए कांस फिल्म समारोह में भारत के सम्मान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं फिल्म समीक्षक प्रदीप सरदाना और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। कान फिल्म फेस्टिवल 2022 जो कि फिल्म फेस्टिवल का 75वां एडिशन है, फ्रांस के कान शहर में इन दिनों चल रहा है। 17 मई से शुरू हुए इस फेस्टिवल में दो दिन बाकी हैं। भारत के लिए ये फेस्टिवल इस लिहाज से विशेष रहा है कि भारत को कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में इस फेस्टिवल में सम्मानित किया गया है। इस बार केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री और भारत सरकार के अधिकारियों के साथ देश की फिल्मी हस्तियों और कलाकारों का एक प्रतिनिधिमंडल इस फेस्टिवल में शामिल हुआ है। भारत को फिल्म मेकिंग का एक डेस्टिनेशन हब बनाने के लिए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पिछले हफ्ते 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में भारत के पवेलियन के उद्घाटन के मौके पर एक अहम घोषणा की थी कि अब भारत में ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन और शूट की जाने वाली बाहर की फिल्मों के लिए 30% का कैश इंसेंटिव दिया जाएगा। तो इस तरह से इस पहल से भारत एक आगे आने वाले समय में फिल्म मेकिंग का एक डेस्टिनेशन हब बनकर उभरेगा और इस दृष्टि से सरकार का ये एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। श्रोताओं, आज हम कान फिल्म फेस्टिवल 2022 पर चर्चा करते हुए साथ ही विश्व स्तर पर जिस तरह से भारत का फिल्म उद्योग का सम्मान बढ़ रहा है उस पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं फिल्म समीक्षक और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सरदाना। प्रदीप जी, स्वागत है। धन्यवाद। प्रदीप जी, जिस तरह से कान फिल्म फेस्टिवल में इस बार हमने देखा कि भारत को कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में सम्मान मिला, इससे निश्चित रूप से हम देखेंगे कि विश्व स्तर पर जो भारत का सिनेमा है उसको और ख्याति मिलने में मदद मिलेगी। तो जो 2022 का कान फिल्म फेस्टिवल रहा उसको आप भारत के संदर्भ में किस तरह से देखते हैं? जब से कान फिल्म समारोह शुरू हुआ है 1946 से, तब से भारत इसके अंदर अपनी भागीदारी कर रहा है और ये बड़ा उस समय खुशी का मौका था और आश्चर्य भी था कि जब ये कान फिल्म समारोह शुरू हुआ उसके पहले फिल्म समारोह के अंदर ही भारत की फिल्म नीचा नगर को, जो चेतन आनंद ने बनाई थी और कामिनी कौशल उसकी नायिका थी, उस फिल्म को वहां जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। एक नई तरह की एक उम्मीद भारत को तभी से बन गई थी कि अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में पहली बार किसी फिल्म ने भारत का परचम लहराया था। लेकिन इस बार तो बहुत बड़ी बात इसलिए है कि इस बार तो जिस तरह उसकी क्लिपिंग देखते हैं, वहाँ पे जिस तरह की खबरें आ रही है, जिस तरह पूरा मीडिया कवर कर रहा है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे भारत का ही कोई फिल्म समारोह हो रहा हो वहाँ पर। इतना भारत को जो फोकस मिला है इससे पहले 75 साल में कभी नहीं मिला। एक तरफ जो है भारत के स्वतंत्रता के 75 साल हो रहे हैं, दूसरी तरफ कान के भी 75 ईयर्स हो रहे हैं, तो ये भी एक संयोग है। दूसरा भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो भी अभी फ्रांस की यात्रा पर गए। और लेकिन जो एक और बड़ी बात वो ये हुई कि पहली बार कान फिल्म समारोह में भारत को कंट्री ऑफ द ऑनर अवार्ड मिल रहा है, कंट्री ऑफ ऑनर। और दूसरा ये कि जो पहली बार ऐसा हुआ है कि रेड कारपेट के ऊपर हमारे देश के सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ एक हमारा बड़ा प्रतिनिधि मंडल है वो उसके अंदर शामिल हुआ। इससे पहले इतना बड़ा कभी भी डेलीगेशन जो है वो कभी रेड कारपेट पर नहीं चला। इसलिए इस बार का जो समारोह है वो भारत के लिए बहुत ही अहम है और पूरी दुनिया जो है इसको देख रही है ध्यान से कि वहां हो रहा है, क्योंकि मार्केटू फिल्म जो कान फिल्म मार्केट है उसमें कंट्री ऑफ ऑनर मिलना, किसी कंट्री को पहली बार वो भारत को मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। प्रदीप जी, अब सरकार का जोर इस ओर है कि भारत फिल्म मेकिंग का एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन हब बनकर उभरे और इस बार कान फिल्म फेस्टिवल में हमारे केंद्रीय सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस बात को कहा कि इस ओर भारत को आगे बढ़ना है, तो इस दिशा में सरकार ने एक अहम पहल की घोषणा की है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि अब भारत इंसेंटिव देगा जो बाहर से फिल्मों की शूटिंग होगी या जो ऑडियो विजुअल का को प्रोडक्शन होगा उसके मामले में, तो इस तरह के इंसेंटिव से किस तरह से भारत एक डेस्टिनेशन हब बनकर उभरेगा और साथ में आप कैसे देखते हैं कि किस तरह भारत में क्षमता है जो फिल्म मेकिंग है उसकी शूटिंग में या प्रोडक्शन के मामले में? भारत में बहुत बड़ी क्षमता है और भारत इस बात को बार बार साबित कर चुका है। जैसे मैंने आपको बताया कि कान फिल्म समारोह जो इस समय सबसे प्रतिष्ठित और सबसे भव्य समारोह माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह विश्व का, उसके अंदर भारत ने वैसे भी कई बार अपना जो है परचम लहराया है। जैसे मैं आपको बताया सत्यजीत रे ने लहराया, उसके बाद हमें मुझे याद आ रहा है हमारी ये बूट पॉलिश फिल्म थी, सलाम बॉम्बे थी,
द लंच बॉक्स थी, मसान, खारिज, दो बीघा जमीन, ऐसी कई फिल्में हमारी पहले भी यहाँ पर पुरस्कृत हो चुकी है। पाथे पंचाली भी यहाँ पर जब 1946 में नीचा नगर हुई तो 1956 में 10 साल बाद सत्यजीत रे की पाथे पंचाली को भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। तो भारत में बहुत बड़ी क्षमता है। भारत इस समय पूरे विश्व में सबसे ज्यादा फिल्म बनाने वाला देश है और हमारे यहाँ 25 भाषाओं में फिल्में बनती है, तो ये और किसी देश के पास ये क्षमता नहीं है जो इतनी सारी फिल्में बना सके एक साथ और इतनी भाषाओं में बना सके। और बड़ी बात यह है कि क्षेत्रीय भाषा की फिल्में हैं इस बार कान फिल्म समारोह में हिस्सा ले रही है, तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी क्षमता है। पहले कहा जाता है भारत तकनीकी रूप से थोड़ा पिछड़ा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ जो बाहुबली जैसी फिल्में हैं उन्होंने बता दिया कि नहीं, तकनीकी रूप से भी हम बहुत आगे हैं। तो हमारे यहाँ भारत में बहुत क्षमता है। और जिस तरह प्रधानमंत्री ने भी पूरे विश्व को आमंत्रित किया ये कहकर के भारत के अंदर बहुत कहानियां हैं, ये कहानियों का देश है, कहानियों कोई कमी नहीं है, उन सबको आमंत्रित किया कि आप आइए हमारे यहाँ पर फिल्में बनाइए। और जब अब अनुराग ठाकुर ने फिल्म मार्केट के अंदर जो ये अनाउंसमेंट की है, असल में इंडिया जो भारतीय मंडप है, इंडियन पेवेलियन, उसके अंदर ये इस तरह की घोषणा करना, पूरे विश्व को बताना जो प्रधानमंत्री ने जो पहले कहा वो उसको और आगे ले जाता है, आइए और हमारे यहाँ फिल्म बनाइए। उन्होंने बहुत सारी चीजें कही कि भारत का सिनेमा जो है दौड़ना चाहता है, उड़ना चाहता है, बस रुकना नहीं चाहता। और इस तरह उन्होंने जब अपना संबोधन किया तब भी कहा कि है पीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ये बात भी अनुराग ठाकुर ने कही। तो अनुराग ठाकुर ने पूरे सिनेमा को, पूरे समारोह को, फिल्म जो समारोह है, पूरे सिनेमाई जितने भी देश है, पूरे विश्व सिनेमा को एक संदेश दिया है कि भारत के अंदर अपार संभावना है। और इसका जो उद्देश्य है वो सीधा यही है कि कंटेंट ऑफ हब ऑफ द वर्ल्ड जो है वो भारत बने, कंटेंट हब बनाने का पर पूरा फोकस था। और ये भी उसी उसका है कि भारत में आए और फिल्में बनाए तो उनको आप सब्सिडी देंगे, उनको एक अलग सहायता देंगे, 2 करोड़ से 2.5 करोड़ तक की सहायता है, उसके अंदर एक सीमा है कि आप इतनी सीमा के अंदर करेंगे तो इतनी सीमा तक आपको 30% का अनुदान मिलेगा और 5% अलग से बोनस मिलेगा। तो ये चीजें क्या है कि आकर्षित करती है सीमा। दूसरा क्या है कि कई बार भारत के अंदर इसलिए भी कई बार पहले नहीं हो पाता था कि परमिशन लेने के लिए बहुत दिक्कत आती थी। एक फिल्म निर्माता को 30 जगह 25 जगह परमिशन लेनी पड़ती है तब जाकर होती है, लेकिन अब जो सिंगल विंडो बनाई जा रही है उससे ये होगा कि आपको एक ही जगह से सारी परमिशन मिल जाएगी, चाहे वो रेलवे से ले रही है, चाहे वो किसी स्टेट से ले रही है, चाहे वो किसी जगह से भी ले रही है, आपको सारी शूटिंग कोई डिफेंस का एरिया है, कोई भी एरिया जहां आपको इस तरह की शूटिंग करनी है, जहां अलाउ नहीं है, वो सब आपको एक ही जगह मिल जाएगी। और कहां कहां आप जा सकते हैं, किस तरह की सुविधाएं चाहिए, वो भी आपको सिंगल विंडो पर मिल जाएगी। उसके बाद भी मिलेगा। तो एक फिल्म मेकर को और क्या चाहिए, इससे कहा है हमारे जो भारतीय जो हमारा इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और एक सॉफ्ट पावर के रूप में जो है भारत का जो सिनेमा है वो आगे बढ़ेगा। जिस तरह से कान फिल्म समारोह में हमने भारत की सांस्कृतिक झलक देखी, फिल्मों का प्रदर्शन देखा, तो सॉफ्ट पावर पर भी थोड़ी सी और टिप्पणी आपसे चाहूंगा कि किस तरह से विश्व स्तर पर अब भारत एक फिल्मों के जरिए, सॉफ्ट पावर के जरिए अपनी संस्कृति को, अपने जो विरासत है उसको और अपनी एक तरह से कहें कि ताकत को दिखाने के लिए अब आगे बढ़ रहा है। वैसे तो भारतीय सिनेमा सारी दुनिया के अंदर अपनी फिल्मों के माध्यम से भारत का परचम लहरा चुका है, ये भी बता चुका है इतनी फिल्में बनाते हैं, हमारे में कितनी क्षमता है और किस तरह हमारी फिल्में अब बाहर बिजनेस कर रही हैं। पहले जहां हमारी कई फिल्में कई देश रिलीज भी नहीं करते थे, अब चाइना के अंदर जो है कोविड से पहले की स्थिति देखें तो भारत की फिल्मों की वजह से ही वहां हजारों नई स्क्रीन बनी, जब वहां बाहुबली चली और बहुत सारी फिल्में चली। इस तरह जापान के अंदर बारी हुई, बाकी दुनिया में तो यूएसए में, फ्रांस में, जर्मनी में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और बहुत सारे देशों में तो हमारी फिल्में, यूरोपीय कंट्री में, अमेरिकन कंट्री में बहुत फिल्में चलती थी हमारी, लेकिन अब ऐसी ऐसी जगह हमारा सिनेमा पहुंच गया है भारतीय फिल्मों की वजह से ही वहां नए थिएटर बने। तो ये भारतीय सिनेमा की बहुत बड़ी ताकत है। तो हमारी जो कहानियां वो भी रामायण महाभारत की कहानियां, जो हमारा कहानियों का देश है भारत, वो रामायण महाभारत की कहानियां जो है विश्व के अंदर लोकप्रिय है और आज भी बहुत से जो टेलीविजन है वो उसको दिखाते हैं और बहुत से लोगों ने उसको फिल्में बनाई है, एनिमेशन फिल्में बनाई है, जापान ने भी बनाई है, बहुत सारी कंट्री ने बनाई है। हमारा उतना नहीं हो पाया जितना हॉलीवुड का हो पाता है, क्योंकि हॉलीवुड का देखिए कि हॉलीवुड की फिल्में जब भी कहीं कुछ बात होती है, चाहे वो अफगानिस्तान की बात हो, चाहे इराक की बात हो, चाहे वियतनाम की बात हो, तो वहां के निर्माता ऐसी फिल्में बनाते हैं कि लगे कि भारत जो अमेरिका है वो बहुत ताकतवर देश है और वो सबको पीछे खदेड़ देगा। स्पेस की बात होती है तो वो हॉलीवुड की फिल्में बनाती है। उसी की वजह से अमेरिका चाहे वो और मामलों में बहुत पीछे भी जा रहा हो, लेकिन अभी फिल्मों के मामले में अभी भी आगे है, क्योंकि वो सॉफ्ट पावर बन चुका है। तो लेकिन अब जो हमारा नया भारत है, इसके अंदर जो हमारा भारत ने तरक्की की है और जब से ये नई सरकार आई है, तो सिनेमा को बहुत ज्यादा, जब हमारी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी या राज्यवर्धन जी जब सूचना प्रसारण मंत्री थे, इन्होंने भी पहल की इस तरह की, उनको कि आप सहायता देंगे और यहाँ पर प्रोत्साहित किया कि हमारे यहाँ के फिल्में बनाए। लेकिन अब और भी इतनी तेजी से जिस तरह बनाया है, तो वो हमारा सिनेमा बिल्कुल सॉफ्ट पावर बनेगा और वो दुनिया को दिखाएगा कि खाली सिनेमा बनाने में ही नहीं, हमारा भारत और भी बहुत चीजों में आगे है। प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप चर्चा में शामिल हुए और आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। अभी आप सुन रहे थे कांस फिल्म समारोह में भारत के सम्मान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे फिल्म समीक्षक प्रदीप सरदाना और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।